हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम अब नहीं रहा, अब ये हो गया है विकल्प आपके समक्ष। मनु आपका आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे लगता है कि आपको भी याद होगा जब हुड्डा साहब ने कार्यक्रम शुरू किया था विपक्ष आपके समक्ष, तो हमने तब भी कहा था, आज मैं उसी बात को दोहरा रही हूँ कि सच में ये इसका नाम ये है ही नहीं, इसका नाम ये है कि विपक्ष एक दूसरे के समक्ष, और ये विपक्ष जो है वो कांग्रेस के अंदर भी है, कांग्रेस के बाहर भी है। बहुत अच्छे उदाहरण हमने पिछले दिनों में देखे कि किस प्रकार से इनकी आपस में लड़ाइयां हमने देखी, दीपेंद्र हुड्डा के सामने किस प्रकार से इनके ही अपने ग्रुप के लोग लड़ रहे थे। पहले तो ये कहा जाता था ना कि हो सकता है कि रणदीप से कोई प्रॉब्लम हो, शैलजा से प्रॉब्लम हो, वो सब हमें चीजें दिख रही थी, लेकिन हुड्डा साहब के ग्रुप के अंदर ही आपस में जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा के सामने लड़ाई हुई, तो ये समझ आ रहा है कि जो विपक्ष है वो एक दूसरे के समक्ष है। जहां तक मैं दूसरी पार्टियों से इनके संबंध की बात कर लूं, तो हमने दिल्ली में बहुत क्लियरली देखा किस प्रकार से ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अभी ऊपर बैठकर INDIA बनाकर कि क्या कैसे रहेगा, वो बात अलग है कि ना अभी नेता क्लियर है, ना नियत क्लियर है, ना ही विचारधारा क्लियर है, लेकिन इनके प्रवक्ता आपस में लड़े जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हाँ अकेले लड़ेंगे, कोई कह रहा है कि अकेले कैसे लड़ सकते हो, तो ये सब आप दिल्ली भी कवर करती हैं, आपने इस चीज को भी देखा होगा। तो ये सच में विपक्ष जो है एक दूसरे के समक्ष है, लेकिन एक प्रश्न उठता है मनु, ये बार बार दम भरते हैं कि हम जीत रहे हैं, विकल्प बन रहे हैं, लेकिन किस बेस पर, क्या कारण है उसके पीछे? तो अगर सबसे पहले अगर ये अपने प्रोग्राम की भीड़ की बात करें, तो मुझे लगता है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब यहाँ पर दिया कि भीड़ अगर से भीड़ से ही अगर आप वोट में कन्वर्ट हो जाते तो बात ही अलग थी। हुड्डा साहब भीड़ जुटाने माहिर है, राजस्थान से आती है, कहाँ से आती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ही दिन के अंदर हमारे कार्यकर्ता 3 रैलियां करते हैं और साथ के साथ एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन कराते हैं, और उन सबकी भीड़ इनकी एक रैली से ज्यादा होती है। अगर दूसरे कारण जिसका जिसके लिए कह रहे हैं कि दम भर रहे हैं कि हम विकल्प बनेंगे, अगर मैं दूसरा कारण मानूं, तो इन्होंने अगर अपने समय में कामों की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने समय में जीजाजी को प्रसन्न करने के अलावा कुछ काम किया नहीं है। अगर ऐसा होता तो जनता इनको बाहर क्यों बिठाती? और अगर ये सोचते हैं कि हमने जो झूठे वायदे हम कर रहे हैं हम उसके बेसिस पर आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसका अच्छा एग्जाम्पल जो है हमें मिल चुका है कि किस प्रकार से कर्नाटका में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं आगे और विकास कार्य नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास विकास कार्य कराने के लिए फंड्स नहीं है, क्योंकि मुझे फ्री में सब कुछ सामान, फ्री में जो मैंने वायदे किए हैं वो सब मुझे देना है, तो मेरे पास वो फंड, हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, तो ये जो झूठे वायदे लगातार कर रहे हैं, अगर उसके आने पर उनके दम पर ये दम भर रहे हैं, तो मुझे लगता है ना कि जनता बेवकूफ नहीं है, उनको बड़े अच्छे से मालूम है कि सच में जनता के लिए जो काम करने वाला है वही 2024 में भी आने वाला है, और वो भारतीय जनता पार्टी है।